बात करेंगे नोरा फतेही की, एक ऐसी लड़की जिसे ना तो ठीक से हिंदी बोलना आती थी और ना ही ठीक से डांस करना आता था, लेकिन आज वो बॉलीवुड में स्टार बन चुकी है। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 में कनाडा के टोरंटो में एक अरबिक मोरक्कन फैमिली में हुआ, जबकि उनकी माँ मूल रूप से भारतीय है। बचपन से उन्हें बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत शौक था और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन जब ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई तो वो इस बात के सख्त खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। उनके पेरेंट्स को पता न चले इसलिए वो एक बंद कमरे में डांस की प्रैक्टिस करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और जिसके बाद उनके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई, जिसके चलते उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई की एक मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया जिसमें शूट के बाद उन्हें 20 लाख रुपए मिलने थे। मुंबई पहुंचकर उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वापस जाने के बजाय नोरा ने कई टीवी शोज, एडवर्टीजमेंट्स और फिल्मों में ऑडिशन देना स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें हिंदी बोलना नहीं आती। उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्री में एज अ डांसर पेश किया और कई फिल्मों में छोटे बड़े डांस करती रही और स्ट्रगल करती रही, जिसके बाद सत्यमेव जयते में एज अ लीड डांसर एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। उस गाने का नाम था दिलबर, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया।